आपका श्री शक्ति कला सीरीज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, हम करेंगे उत्तल दर्पण है उसको लेकर हम प्रतिबिंब निर्माण है वो करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अभी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण चलो करते हैं। सबसे पहले वो है जैसे वहां पर भी था, क्या था कि जब वस्तु या भी मैं वो कहां पर रखा हमने सबसे पहले अनंत पर रखा, तो यहां पर भी वही कंडीशन आ गई। तो हम यहां पर रखेंगे जब वस्तु या बिंब बिंब अनंत पर हो, कहां पर हो अनंत पर हो तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या पता है, सबसे पहले हमारे को दर्पण बनाना पड़ेगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? हमें पता है उत्तल दर्पण का जो प्रावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र की ओर वक्रित नहीं रहता है, प्रावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र की ओर वक्रित नहीं रहता है, वही उत्तल दर्पण होता है। जिसका प्रावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर वक्रित रहता है वो आपका कहलाता है अवतल दर्पण। तो किस प्रकार से बनाना है, देखो ये आपका दर्पण ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने यहां पर इसकी क्या कर दी, रजत पॉलिश कर दी ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण ठीक है। ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका जो ये प्रावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र की ओर वक्रित नहीं, केंद्र किस साइड में, केंद्र भाई ये इस प्रकार का, तो इस प्रकार से गोला बनेगा ना यहाँ पर, तो इस प्रकार से बनेगा तो इसका केंद्र यहां पर होगा, इसका केंद्र यहां पर होगा, तो केंद्र की ओर प्रावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल नहीं है, केंद्र की ओर रजत पॉलिश है ठीक है। इसका मतलब जिसका प्रावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर वक्रित ना हो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली ठीक है, उत्तल दर्पण। अब उसके बाद में मैं क्या बनाना पड़ता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये लो हमारी मुख्य अक्ष बन गई ठीक है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे अलग अलग जो भी है यहाँ पर ठीक है, वक्रता केंद्र कौन सा है, फोकस बिंदु कौन सा है वो वगैरह वगैरह ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपका गोला बनेगा, तो इसका मतलब केंद्र इसका इस साइड में होगा, होगा ना, ऐसे नहीं कि इस साइड में कर दो आप ठीक है। तो इस प्रकार से गोला बनेगा तो इसका मतलब केंद्र इस साइड में रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका केंद्र है वक्रता केंद्र सी, और हमें यहाँ तो बताइए क्या होता है ध्रुव होता है, इतनी बात। उसके बाद में P और C के मध्य क्या होता है आपका फोकस बिंदु होता है, होता ना यहाँ पर ये। अब देखो हमें क्या है यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन की कि जब वस्तु या भी मैं वो कहां पर हो अनंत पर हो, कहां पर हो अनंत पर। अब एक बात बताओ हमने क्या माना है कि जो भी हम वस्तु लेंगे या बिंब लेंगे वो हमेशा कौन साइड में रखेंगे, हमेशा इस साइड में ही रखेंगे। इसका मतलब अनंत पर कोई वस्तु है तो वो इस साइड में। तो अब देखो अनंत से क्या आएगा, वस्तु से प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा अनंत पर रखी हुई वस्तु से, प्रकाश कैसे आता है मुख्य अक्ष के समांतर आता है। अनंत पर रखी हुई वस्तु से प्रकाश आता है वो किस प्रकार का आता है, वो आता है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम लेकर आएंगे इस प्रकार से, ये लो एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है। अब हमें पता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो कहां से गुजरती है, वो फोकस बिंदु से गुजरती है, लेकिन यहां पर गुजरेगी नहीं क्योंकि हमें पता है कि ये प्रावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का है, तो प्रकाश किरण ऊपर जा सकती है ऐसे, भाई दर्पण है तो दर्पण से प्रावर्तन होगा ना, ऐसे थोड़ी अंदर थोड़ी जाएगी यहाँ पर, आप ऐसी किरण को ऐसे थोड़ी भेज दोगे, नहीं भेज सकते हो क्योंकि रजत पॉलिश कर रखी है। और ऐसे अगर चली गई तो इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप चले गए, मतलब माध्यम में परिवर्तित हो गया, और जब भी माध्यम परिवर्तित होगा तब वहां पर प्रावर्तन की घटना नहीं होगी। अभी हम कौन सी घटना पढ़ रहे हैं, हम प्रकाश का प्रावर्तन पढ़ रहे हैं, उसी प्रकाश के प्रावर्तन के जो मतलब अवतल या उत्तल या समतल दर्पण है उससे किस प्रकार से प्रावर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रावर्तन है वो होगा, तो यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ पर क्या नहीं करेगी, इस फोकस बिंदु पर नहीं जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमें पता है किस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण से प्रावर्तन, इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देखो ये प्रकाश किरण कहीं पर भी फोकस बिंदु यहाँ कहीं पर गई, यहाँ पर नहीं गई, इसका मतलब हमारे को इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम पीछे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, ये ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है, चलो यहाँ पर बना देता हूँ ठीक है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ क्या असल में कि हमने क्या किया, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर आए, भई अनंत पर थी वस्तु, इस वजह से फिर क्या हो गई वो आपकी इस प्रकार से प्रावर्तित हुई, जैसे वो कहां से गुजर रही है, जैसे वो फोकस बिंदु से गुजर रही है, क्योंकि हमें बताया कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा कहां से गुजरती है, आपकी फोकस बिंदु से ही गुजरती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्रतीत गुजारते हुए प्रतीत कर दिया यहाँ पर ठीक है, असल में गुजरी नहीं है।
अब देखो क्या एक किरण से वो प्रतिबिंब बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, एक किरण और लेकर आनी पड़ेगी। या तो आप यहां से लेकर जाओ या नीचे से लेकर जाओ, नीचे से लेकर आओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है? तो यहां से एक प्रकाश किरण और लेकर आते हैं, ये लो एक प्रकाश किरण हो रही। अब हमें बताया कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से आपकी गुजरती है? वो फोकस बिंदु से। तो ये तो इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी ना आपकी एरो पे बनाना आपको, ठीक है? एरो बनाते समय भी ध्यान रखना किस प्रकार से एरो बनाना है भाई, आई गई, ठीक है? तो इस ये किरण, इस किरण को हम क्या कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ये लो हमने इस किरण को पीछे बढ़ा दिया, तो ये किरण जो पीछे बढ़ाई है, जो परावर्तित किरण है, कोई परावर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया ना, तो परावर्तित किरण यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, भाई मिल रही नहीं है असल में, मिल रही है क्या ये किरण असल में मिल रही है क्या, वास्तविक रूप में मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। इसका मतलब हमने इस किरणों को पीछे बढ़ाया है, बढ़ाने पे मिल रही है यहाँ पर, इसका मतलब प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर जब ये परावर्तित किरण है इनको पीछे बढ़ाया गया तो ये जो फोकस बिंदु है वहां पर मिली, इसका मतलब यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। परावर्तित किरणें जहां पर भी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर एक प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। आपतित किरणें मिलने से नहीं होता है, परावर्तित किरणें मिलने से या मिलने मिलती हुई प्रतीत होने से वो प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है और उसकी बात कर सकते हैं स्वरूप क्या है, ठीक है? तो प्रतिबिंब की सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थिति की। स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस बिंदु पर, ठीक है? कहां पर? फोकस बिंदु पर, ऐसे नहीं दर्पण के पीछे, ऐसे नहीं लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, एफ पर, ठीक है? उसके बाद में क्या आता है आपका, आकार आता है प्रतिबिंब का आकार, तो ये आकार, ठीक है? आपको पूरा नाम लिखना है प्रतिबिंब का आकार, मैं भी आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो आकार क्या है, देखो जब भी वस्तु या बिंब, जब भी वस्तु या बिंब है वो अनंत पर होगा तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो आकार क्या हो गया आपका, बिल्कुल छोटा हो गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आकार कैसा है, बिंदुवत। कैसा आकार है, बिंदुवत, ठीक है? चलो ये भी बात होगी। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी स्वरूप या प्रकृति। तो स्वरूप या प्रकृति क्या होगी, क्या किरणें वास्तव में मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है यहाँ पर, देखो किरणें क्या कर रही है, हम इनको मिला रहे हैं आभासी रूप से मिला रहे हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और चूंकि हमें पता है कि जो भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है? तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी वे सीधा, आभासी वे सीधा, ये क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब हो गया। तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की एक कंडीशन हो गई, समझ में आ गया, हो गया आपको, बिल्कुल आसान थी। सॉरी उत्तल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, सी पी एफ प्रकाश किरण लेकर आओ, दो प्रकाश किरण प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? अब अगली कंडीशन हम करते हैं दूसरी। तो देखो दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, अभी बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो आपकी कंडीशन रहेगी वो रहेगी आपकी, जब वस्तु या बिंब कहां पर हो, दूसरी कंडीशन क्या हो, जैसे अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण में हम क्या करते थे, ये इस प्रकार से अवतल दर्पण, ठीक है? ये अवतल दर्पण, यहां पर आपका P होता था, यहां पर आपका C, यहां पर F। तो पहले हम अनंत पर, फिर क्या कहते थे, क्या करते थे, सी से परे, ठीक है? फिर कहां पर, सी पर, फिर सी वे एफ के मध्य, फिर एफ पर, फिर एफ वे पी के मध्य, ऐसे प्रतिबिंब निर्माण किया था ना। तो फिर ये उत्तल दर्पण में कैसे होगा, कि इसी प्रकार से मैं लिखो यहां पर, जब वस्तु ये बिंब यहां पर हो, सी से परे हो, नहीं लिख सकता मैं, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये उत्तल दर्पण है इस प्रकार से, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका वक्रता केंद्र इस साइड में है, ठीक है? इसका वक्रता केंद्र किस साइड में, इस साइड में, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर प्रतिबिंब को कहां पर रखूं, कोई कंडीशन है क्या मेरे पास में, तो इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर केवल एक और ही कंडीशन, एक ही बचती है, कौन सी, एक तो हमने रख दी यहाँ पर अनंत पर, एक और कंडीशन बचती है, यहाँ पर पी है, तो मैं बोल सकता हूँ अनंत हुए पी के मध्य, अनंत हुए पी के मध्य, या मैं बोल सकता हूँ दर्पण से निश्चित दूरी पर, जब भी मैं स्थित हो निश्चित दूरी पर, मतलब दर्पण से कुछ दूरी पर, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो कहीं पर एक है जो आपका प्रतिबिंब बीम है वो स्थित है, मतलब मेरे पास में दो ही कंडीशन बनेगी, किससे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कितने कंडीशन बनेगी, दो बनेगी, जबकि अवतल से वो कितनी बनती थी, छह, एक तो अनंत पर सी से परे दो, फिर सी पर तीन, फिर सी वे के मध्य चार, फिर एफ पर पांच, फिर एफ वे पी के मध्य छह बनती थी ना, लेकिन यहाँ पर कितनी बनेगी, दो ही बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, या तो आप लिख दो अनंत वे पी के मध्य, या फिर आप ऐसे लिख दो दर्पण से निश्चित दूरी पर स्थित हो अगर बीम, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर जब वस्तु या बीम दर्पण से, ऐसे लिख देते हैं, दर्पण से
निश्चित दूरी पर हो, दूरी पर हो, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो अनंत वेग किसके मध्य, P के मध्य हो, ठीक है। तो यहां पर बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये है हमारा उत्तल दर्पण, और ये बना दिया हमने क्या, मुख्य अक्ष, कहां पर होगा, सी यहां पर होगा, नहीं होगा यहां पर, गोला कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, आपको रटना थोड़ी, आपको समझना है, गोला इस प्रकार से बनेगा, इसका मतलब केंद्र इस साइड में होगा, ठीक है। तो ये गोला बनेगा यहाँ पर, मतलब केंद्र आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया आपका P, और इन दोनों के मध्य में क्या होगा आपका F हो जाएगा, क्लियर बात। अब क्या बोला है आपको कि जब वस्तु या बिंब दर्पण से निश्चित दूरी पर, हमें पता है हम वस्तु या बिंब को किस साइड में रखते हैं, हमेशा इस साइड में रखते हैं, बाएं साइड में, तो इसका मतलब हमारे को यहीं पर कहीं पर है वो क्या रखनी पड़ेगी, वस्तु को रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे, यहाँ पर मान लो ये रख दिया हमने वस्तु को, ये एरो बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु या बिंब क्या है आपका सीधा है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब आगे देखो, अब मैं क्या करूं यहाँ पर, देखो इससे क्या निकालूं, एक प्रकाश किरण निकालूं मैं, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि जब भी दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तब एक किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, जाएंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाओ, तो ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी फोकस बिंदु से गुजरती है, किससे गुजरती है, फोकस है बिंदु से गुजरती है, और फोकस बिंदु कौन सा है, ये रहा। तो क्या मैं प्रकाश किरण को ऐसे गुजार दूं, नहीं गुजार सकता मैं, क्योंकि ये दर्पण है, वो दर्पण में प्रकाश किरण है वो क्या नहीं होगी, आर पार नहीं होगी, इसका मतलब प्रकाश किरण क्या करेगी, इस प्रकार से परावर्तित होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से परावर्तित करा दो, ये परावर्तित होगी। अब ये किरण फोकस बिंदु से नहीं मिली तो इसको मिला देते हैं यहाँ पर, देखो पीछे बड़ा करें तो ये यहाँ पर है, ये थोड़ा थोड़ा इधर इधर हो जाता है, आपको तो स्केल से बनाओगे तो आप बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्रकाश है, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण भी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रकाश किरण से तो क्या नहीं होगा, प्रतिबिंब का निर्माण है वो नहीं होगा। तो दूसरी कौन सी कंडीशन बचती है, तो दूसरी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष समांतर तो लेकर आ नहीं सकते हो, तो दूसरी कंडीशन आपके पास में बचती है कि आप या तो किससे गुजारो, या आप P से गुजारो, या फिर आप F से गुजारो, या फिर आप किससे गुजारो, C से गुजारो, तीन कंडीशन बनती है ना। तो आप तीनों कंडीशन में से कोई सी कंडीशन लगा सकते हो, ये आपके पास में क्या है चॉइस है आपकी। तो अगर मैं P से गुजारूंगा तो प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी, P पर जाएगी, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, तो ये परावर्तित किरण इसको मैं पीछे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। क्या ऐसा ही F पर करने से हो रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, आपको किरण को कहां से गुजारना है, आपको किरण को गुजारना है F से, कहां से गुजारना है, F से गुजारना है, ठीक है। तो मतलब F से गुजरते हुए क्या होनी चाहिए, प्रतीत होनी चाहिए। तो F से गुजरते हुए प्रतीत कैसे हो गया, यहाँ पर आप प्रकाश किरण को भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रकाश किरण को इस प्रकार से भेजोगे, F से अगर वो जाती हुई प्रतीत होगी तो जो भी किरण F से गुजरती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, इस किरण को अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर मिल रही है। अगली एक कंडीशन और बन जाती है, आप कहां से गुजार दो, सी से गुजार दो, हमें पता है कि जो भी किरण सी से गुजरती है वापस उसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, सी से गुजार देते हैं, तो यहाँ पर देखो सी से गुजारते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये लो चलो मैं यहाँ पर बना दूं, तो प्रकाश किरण ये आई है आपकी, ठीक है। और हमें पता है कि जो प्रकाश किरण आती है वो अगर सी से गुजरी है तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी, इसको सी से गुजार दो भाई, देखना तो पड़ेगा ना सी से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, तो सी से गुजार देते हैं, ये यहाँ पर सी से गुजर, ठीक है। तो कहां पर मिली परावर्तित किरण है, ये देखो परावर्तित किरण ऐसे नहीं आपतित किरण है, हमें पता है कि जो भी किरण आती है सी की तरफ वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो उसी दिशा में गई ना, इसलिए हमने इसको पीछे बढ़ाया। तो यहाँ पर देखो पीछे बढ़ाने पर ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, हो रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण किसके मध्य हुआ, P वे F के मध्य, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की क्या लिख दो, स्थिति, तो स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी P वे F के मध्य, P वे F के मध्य, समझ गए ना ये कैसे किया हमने, ठीक है। तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप, P से गुजारोगे ना तब भी यहीं पर बनेगा, देखो इस प्रकार से अगर आप P से गुजारते हो ये लो, ठीक है, तो ये लो इस प्रकार से ये, तब भी आप कहते हो इसको पीछे बढ़ाओगे ये लो,
इसको पीछे बढ़ा रहे हो तब भी आपका देखो यहीं पर मिलता है, मिल रहा है यहाँ पर। और चूंकि हमें क्या करना है, हमें तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितने किरणों की आवश्यकता है, केवल दो किरणों की आवश्यकता है, तो हम तो एक दो ही किरणें भेजेंगे। हमने सी से गुजार दी वापस उसी दिशा में, ऐसे नहीं कहा आप ये डैश डैश ये नहीं, यहाँ पर सीधा ही आप किरण को भेजो, क्योंकि किरण इसको पार ही नहीं कर सकती, ये दर्पण है और दर्पण के आर पार नहीं जा सकती। अगर आर पार चली गई तो फिर वो परावर्तन की घटना नहीं रहेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपके प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का क्या आता है बाद में, आकार आता है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, मतलब बीम के बराबर है, छोटा है बड़ा है, क्या है? ये आपका बीम है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रतिबिंब। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब है वो उसका आकार क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा, किससे, बीम से छोटा, ऐसे लेना है आपको, बीम से छोटा। उसके बाद में आता है आपका स्वरूप, स्वरूप या क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो स्वरूप या प्रकृति क्या होगा, क्या किरणें वास्तव में मिल रही है, नहीं मिल रही है वास्तव में, हम उसको क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं तब वो मिल रही है। इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी होगा तो मतलब क्या होगा, सीधा होगा, आभासी में सीधा। क्या सीधा दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका बिंब रहा, इसका एरो ऊपर रहा, ये रहा, इसका एरो ऊपर रहा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सीधा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्या कर लिया, उत्तल दर्पण से वो प्रतिबिंब निर्माण है वो कर लिया, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु है वो क्या हो, दर्पण से किसी एक निश्चित दूरी पर है, या बोल सकते हो अनंत है पी के मध्य हो, तब यहाँ पर क्या हो। अब क्या कोई और कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती यहाँ पर और कंडीशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई सी एप वगैरह कुछ है नहीं, वो तो सारे हैं, और इस साइड में हम वस्तु को वैसे भी नहीं रख सकते यहाँ पर। तो ये हमारी दो ही कंडीशन बनती है, किससे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण है। आ गया होगा जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हम इतना ही अध्ययन करेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमने उसका अध्ययन है वो कर लिया। अगला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अगला हमारा टॉपिक है उसको हमें पढ़ेंगे।